हाय गाइस, मैं आकाश चार ना। मैं आज आपको कोई ओनरशिप रिव्यू दिखाऊंगा ना कोई ड्रैग रेस दिखाऊंगा। आज हम गाड़ी में रिफ्लेक्टर लगवाने जा रहे हैं। इस गाड़ी में मैं आपको पहले ओनरशिप रिव्यू दिखा चुका हूँ इस गाड़ी का। इस गाड़ी में जो पहले रिफ्लेक्टर लग रखे थे वो भाई टूट गए। भाई कैसे टूटे थे वो? वो भाई किसी बाइक वाले ने पीछे से ठोक दी थी। आपने कुछ कहा नहीं उसको? क्या कहता, बाइक वाला बेचारा था, उसके लगी नहीं, बस यही था। गलती किसकी थी? उसी की गलती थी। क्या हुआ, कैसे था इंसिडेंट? इंसिडेंट हुआ था जो एयरपोर्ट वाला हाईवे है, NH8 है जयपुर वाला। तो मैं वहाँ से लेफ्ट ले रहा था, वो स्ट्रेट आ रहा था स्पीड में। अच्छा। तो उसने फिर बिना ब्रेक मारे बिना स्लो डाउन करे रोड ज्वाइन हो रहे थे ना वहाँ, तो स्ट्रेट सीधी स्पीड में लाता रहा, तो डायरेक्ट बम्पर में आके मारी उसने। अच्छा। लड़का ही था वो भी हमारी तरह। भाई रिफ्लेक्टर कहाँ पे? रिफ्लेक्टर भाई वो दिखाना भाई, ये रिफ्लेक्टर है। एक ही टूटा ना पीछे में तो? हाँ, लेफ्ट वाला टूटा है। तो ये ऑनलाइन मंगाए? कितने बड़े ऑनलाइन? ये मेरे को बड़े 849 के बड़े भाई ऑनलाइन। अभी बाकी हमें कुछ ये हमारे NSUT के सामने एक है कार हिस्सरी वाला, हम उस पर जा रहे हैं। उससे पहले हम पूछेंगे वो कितने का देता है, प्राइस का डिटेल पता चल जाएगा उससे। मैं आपसे वहीं जाके बात करता हूँ। तो भाई हम शॉप पे तो पहुंच गए। मैं आपको दिखा रहा था मेरे पीछे कौन से वाला टूटा है। ये वाला टूटा है। वो वाला तो ठीक है आपका, डिजाइन अलग है ना? दोनों चेंज होंगे ना? दोनों चेंज होंगे। तो एक का क्या करेगा, रख लेगा? अंदर आके बात करते हैं भाई कितने की देगा। लॉक कर दी? चलो ब्रेजा के रिफ्लेक्टर कितने का आएंगे? मैं ब्रेजा के रिफ्लेक्टर चाहिए थे। मैट्रिक्स या ओपेटिक्स? कोई सा ही बता दो, दोनों होंगे आपके। मैट्रिक्स वाले और नॉन मैट्रिक्स 600 रुपये। तो भाई ये रही अपनी गाड़ी। अभी भाई को अंदर जाकर चूना लग चुका है। भाई ने 800 के तो ऑनलाइन मंगाए थे और यहाँ पे 200 फिटिंग के मांग रहे हैं। और ये भाई ने दिखाया है, भाई ने 800 के दिखाया है विद फिटिंग करके देंगे पूरा 800 के साथ। तो भाई को यहाँ पे 200 रुपये फालतू खर्चा आ चुका है। अभी इसकी फिटिंग होगी, मैं आपको तब दिखाता हूँ। मैं भाई है वो कल वाली भाई फुल लेटा पीटी कर रहा है। कहाँ छेड़ कहाँ सर आए नीचे से भाई, यहाँ कहीं साथ दे रहा है भाई। तो भाई क्या दिक्कत आ रही है निकलने में? है भाई लॉक फंस रहा है। क्या हो रही है? लॉक फंस रहा है इसका। लॉक फंस रहा है भाई ये, इसको 2-3 मिनट हो गए निकले नहीं अभी तक। ये नीचे कोशिश कर ली, नीचे से नहीं हुआ। तो अब भाई ने उखाड़ने चालू कर दिया इसको। ये उखाड़ दिया, पहले उखाड़ लेता भैया। DRL तो आपके चेंज हो गए। ओए चला के दिखाइयो, चला के दिखा। अबे चलाना भाई, देखिए ऐसे मैटर चलेगा। और ब्रेक मारियो ठीक है भाई, चेक कर लो ये। तो भाई हम ये DRL भी चेंज करवा रहे हैं। ये सड़क होगा ना? ओ अच्छा, ऐसे लगेगा क्या? अच्छा तेरा ये वाला लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। भाई कमेंट में बताना आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें क्रोम भी है। कितने का पड़ा है? 3000 का ना? 3000 का पड़ा भाई विथ फिटिंग। कम करेंगे क्योंकि दोनों चस्ता है। कौन सा चस्ता वाला चस्ता? लेफ्ट वाला नहीं चस्ता, थोड़ा सा लेफ्ट वाला यहाँ तक चस्ता। पूरा चस्ता ना वाला? पूरा चस्ता, उसमें ये पानी जा रखा है ना, ये रहा पानी। पानी दिखता है? मतलब डार्क हो रखा है ना ये, इसमें ये यहाँ का कलर देख लो, ये यहाँ देख लो, तो वो बारिश में। और ये वाला? वो वाला पूरा चस्ता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा चस्ता है। तो भाई जब लग जाएगा उसके बाद हमको दिखाएंगे आपको, तब देखना।
तो गाइस हमारे DRL और रिफ्लेक्टर दोनों लग चुके हैं। हमारा खर्चा आया 3100 का, 3000 के हमारे DRL लगे और रिफ्लेक्टर हमारे 100 रुपये उसने फिटिंग के ले लिए। तो मतलब वैसे 100 रुपये का हमें घाटा हुआ एक तरह से। बट अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।